तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है कितनी है वैसे, आज पता नहीं आज कितनी है वैसे। अभी बज रहे हैं 5 एंड अभी मामा आए थे। एंड गाइस, आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो मैंने केक बनाया है। वो सरप्राइज तो रहा नहीं, क्योंकि मम्मी किचन में आ गई बीच के अंदर। सो उन्हें पता तो चल गया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसा केक है, मस्त लगा है। एंड उसके ऊपर फर्स्ट लेटर भी लिख दिए, H&S चॉको ट्रफल केक। एंड ये जूस पी लेते हैं अभी, क्योंकि 2-3 घूंट बच रहा था मिक्स फ्रूट। मूड फ्रेश हो जाता है इसे पी के। तो अभी मैं आपको केक दिखाता हूँ। अभी मैं बेड पे बैठा था एंड ट्राईपॉड पूरा सेट है, जूस वो पड़ा। एंड अब चलते हैं आपको जूस दिखाने के लिए। मेरी चप्पल गलती से पेड़ पे अटक गई, क्योंकि हम बैडमिंटन खेल रहे थे एंड शटल ऊपर चली गई। मैंने एक चप्पल मारी वो अटक गई, दूसरी मारी वो अटक गई, नैतिक ने एक मारी वो भी अटक गई, एंड उसकी 3 और अटक गई, चप्पल का पेड़ बन गया। अभी मम्मी के जाने का ही वेट कर रहा था, क्योंकि मम्मी के साथ नशे आती है थोड़ा व्लॉग बनाने में। सो गाइस, 1, 2, 3, ये रहा वो केक। मैं आपको अच्छे से निकाल के दिखाता हूँ। ये देखे, एच मतलब एच मतलब कमल, मैंने ऐसी कर दिया है। क्या देखो क्या मस्त लग रहा है ये चॉकलेट ट्रफल केक। एंड बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है ये, तो इसको फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर तो नहीं जम जाएगा। दिखने में गाइस सच्ची में अच्छा लग रहा है ये, सो इसे फ्रिज में रख देते हैं। एंड थोड़े से अनार ले लेते हैं, ख़त्म बात। ने नेट भी निकाल लिया, वो बैठे सब नेट निकाल के फाड़ा नहीं, बस निकाल दिए इस पेड़ में से। मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया नहीं था, ये देखो क्या गंजा कर दिया भाई, मस्त पेड़। यहाँ पूरी गली ब्लॉक थी, वो उठा के ले गए। तो ये देखो पूरी आसमान दिख रहा है। अब तो कबूतर भी नहीं बैठ सकते यहाँ पे, कौवे वगैरह। ये तो यहाँ पॉटी से भर जाता था पूरा, यहाँ बैठ के करते रहते थे अपने आराम से, उन्हें पेट को खाली। तो भाई वो देखो बिल्ली, अरे इसमें 3x जूम है, देखना कितना वो लिपड़ी, 3x जूम है यार। इतना दुख हो रहा है ना, पापा ने केक काट लिया, सारी चीज़ कर ली। मैं रिकॉर्डिंग, मैंने जैसे बताया था ना, मेरी फ़ोन की स्टोरेज फुल है, वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं एंड सब कुछ हो गया। और मैं भी आपको केक दिखाता हूँ कैसा कटा है। इतना दुख हो रहा है ना, एक बार ही आती है एंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो गाइस ये केक रहा ना आधा खा लिया है, अब इसको काटते हैं। थोड़ा टाइट हो चुका है लेकिन टेस्ट करने में अच्छा है। अब इसको खाते हैं, मस्त बना है। ये देखिए, ये देखो, मुझे खाता हूँ। इसी दुख के चलते मेरे को इस व्लॉग को कल सुबह तक लंबा करना पड़ेगा, नहीं तो अभी मैं कर लेता ना तो ये मैं अगर रिकॉर्डिंग हो जाती तो ये पूरा व्लॉग ही बन जाता। शिट, तो अभी सुबह बनाना ही पड़ेगा, और कुछ चारा तो है नहीं। मैंने शर्ट के नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन रखे, लेकिन इसके ऊपर जैकेट है तो कुछ पता नहीं चल रहा। ये शर्ट मस्त लग रहा है जी, ये जूते भी पता नहीं फिट कैसे ही आए मेरे को। मैंने ये टेबल इस साइड शिफ्ट कर दी उससे उस साइड, क्योंकि बेड इधर सरकाना था, क्योंकि मम्मी जब भी इधर आती थी झाड़ू नहीं लग पाता था। सो अब ये बेड बीच में हो चुका है, वो उस साइड, ये टेबल थोड़ा इस साइड। तो अब अजीब सा लगते हैं बैठने में, कि यहाँ सीधा ही दिखेगा जो भी आएगा। नहीं ले आओ, आप अपने तो ले लो, मिक्स वेज और पनीर बटर मसाला ले लो आपको जितना लेना। आप पानी लिया ना, बस इतना कर दो। मैं ले चलता हूँ बटर नान, मिक्स वेज, शाही पनीर। बस ये आज आज ही हाल है, क्योंकि एनिवर्सरी थी, क्योंकि मैं तो खाता हूँ नहीं, आज खाना पड़ रहा है। जबरदस्ती तो करने ना मेरा ही मन कर रहा है, क्योंकि वैसे तो मैं डाइटिंग पे चल रहा हूँ। जब भी जा रहे हैं हम कुछ खरीदने, छोले कुलचे, कंपस एंड शटल एंड पार्ले जी के पैकेट, वो जो बाहर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए है। हाँ तो अभी से वो कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट रख दो। ठीक है, स्कूटी कितनी चल रही, 4113 एंड इसमें फोन मिल जाता है, इसमें इतना पेट्रोल नहीं बाकी। मम्मी इसे रीसेट मारते,
डब भी नहीं रहा वैसे ट्रिप के। ठीक है, इसे यहाँ पे खड़ा कर दिया एंड वो आ रहे हैं अभी उधर से, क्योंकि मैं अकेले तो जा नहीं सकता, बस मेरे को चलानी ही आती है, तो वो पीछे बैठ जाएंगे एंड मैं ऐसे व्रूम व्रूम। एक्टिवा 125। पापा कैप पहनने की कह रहे हैं क्योंकि इतनी रुमानी पड़ेगी। ओह शिट, ये क्या कर रखा है भाई, मस्त अलमारियाँ साफ कर रही हूँ, वो सूख रही है। सो पापा ने कही स्कूटी पर जाएगा तो ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं अपना कैप पहन रहा हूँ। इसे बंद करते हैं एंड अब मैं आपको स्कूटी पहन लेता हूँ, वो पता नहीं कितनी टाइम लगेंगे। मैंने ये पहन लिया एंड अब चलते हैं। सो गाइस अभी इससे करते हैं स्टार्ट, कितने टाइम ले रही है। आ चुका हूँ एंड मैं दिखाता हूँ मैं क्या कहलाया। एक सेकंड, इस लॉलीपॉप को पता नहीं कहाँ रखो, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। एक में लाया कंपास क्योंकि हमारा ज्योमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है एंड एक कॉस्को की शटल क्योंकि जो मैं डीकैथलॉन से लाया था ना वो थोड़ी ऐसी थी चीप क्वालिटी की, वो टूट जाती थी, तो मैं एक ये लाया 70 की, ये बहुत अच्छी होती है, ना ज़्यादा तेज रहती। एंड मैं लॉलीपॉप लाया था एंड वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए पाल लीजिए। तो गाइस इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन